अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज की बेटा इस लेक्चर में हम लास्ट टू थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 वो सॉल्व करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी बेटा, थ्योरम नंबर आपका जो है बेटा 5, ठीक है, ये हमारे पास है एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, यानी कि आपके पास कोई एंगल है, आपने उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लेना है। ओके, उसके बाद इक्व डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी कि वो जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें फर्दर जो डिटेल गिवन है वो ये है कि वो जो पॉइंट आपने लेना है वो आपकी उस एंगल की जो आर्म्स हैं उनसे क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये हमें गिवन है। उसके बाद जो प्रूफ करना हमने इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब ये प्रूफ करना हमने कि वो जो पॉइंट है वो इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। अब बेटा आपको गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एन एंगल, यानी कि एंगल आपके पास, सपोज करें ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, हमने ये पॉइंट पी लिया है, कहाँ पे लिया है, हमने इस एंगल के बिटवीन लिया है। एंगल आपके पास है ए ओ बी, ठीक है, ये इसकी आर्म्स हैं, ओ एक आर्म है और एक ओ बी आर्म है, इनके बिटवीन हमने एक पी पॉइंट लिया है, इनके एंगल के बिटवीन, जो कि आपके पास यहाँ पे है। अब आपने क्या, इसके ऊपर हमें और क्या डिटेल गिवन है कि आपका जो पॉइंट पी है ये बेटा पी पॉइंट इन आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि आपका ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने इसके ऊपर डबल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे इस तरह के सेम मार्क हों इसका मतलब ये है, ठीक है, वो आपस में क्या होती हैं, साइड्स वो इक्वल होती हैं, ठीक है, चाहे वो एंगल्स के ऊपर हो चाहे वो साइड्स के ऊपर हो, ठीक है। अब आपके पास ये तो गिवन आ गया, ठीक है, गिवन किया हमारे पास एनी पॉइंट पी इन साइड एंगल ए ओ बी, ठीक है, सच दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है यहाँ तक, ठीक है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू बेटा आपका परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर, और पी आर आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, ये बेटा आपको गिवन है। इसके बाद आपने प्रूफ ये करना है कि आपका जो पी पॉइंट है बेटा वो इस बाइसेक्टर के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। हमने खुद से ये कंस्ट्रक्शन की है कि आपका पी पॉइंट है, हमने इसको इस पॉइंट ओ के साथ मिला दिया, ठीक है। अब अगर बेटा हमने जो प्रूफ करना है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका ये जो एंगल ये वाला, ठीक है, अगर ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्या होगी, ये लाइन आपकी इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। तो पी पॉइंट क्या होगा, इसी बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद। हमारा जो मेन टारगेट क्या है कि हमने प्रूफ ये करना कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हमने लेके आने, ये हमारा टारगेट है। तो बेटा अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ठीक है, हमने ये प्रूफ करना, ओके। अब इसके बाद हमने खुद से जो चीज़ यहाँ पे डॉटेड लाइंस जो शो कर रही है कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की है कि जस्ट पी को आपने ओ के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये बेटा इसकी डायग्राम होगी। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट्स इसकी हैं, इसके रीजंस हैं, उसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक कौन सी बन रही है, एक हमारे पास बन रही है कहने की पी क्यू ओ या पी ओ क्यू आप कह रहे हैं, ठीक है, और एक बन रही है पी ओ आर। ये दो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको नाम दिया है पी ओ क्यू का और ये वाली है पी ओ आर के। अब हमने इनके बिटवीन क्या चेक करनी है, इनके बिटवीन कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी है। वो कैसे आएगी बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पी क्यू और पी आर है ये दोनों क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं एंगल की आर्म के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये एंगल भी 90 का बन रहा है और ये एंगल भी 90 का बन रहा है, यानी कि ये आपके पास दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास ये क्या हो गए, ये हमारे पास दोनों हैं राइट एंगल, इसीलिए दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये जो आपकी ट्राइंगल है इसके अंदर आपका जो एक एंगल है वो क्या आ गया, वो आ गया 90 डिग्री का। तो ये बेटा आपने, हमने एक पासोडेट किया था हाइपोटेनियस साइड पासोडेट, वो ओनली एप्लीकेबल था राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो आपने यहाँ पर वो पासोडेट यहाँ पर फाइनली बाद में अप्लाई करना, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमारे पास ये जो गिवन हमें क्या था कि पी आर और पी क्यू दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। इसके अलावा पी ओ दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन नहीं है, ये जो आपने कंस्ट्रक्शन की है इसके अकॉर्डिंग जो पी ओ आपका है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। तो बेटा आपकी तीन चीज़ें तो प्रूफ हो गई हैं कि वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका ये एंगल जो कि राइट एंगल था कॉन्ग्रुएंट है,
पी और कॉमन कॉन्ग्रुएंट है, इसके बाद पी क्यू क्यू पी आर के इक्वल जो कि हमें गिवन था, तो ये तीन चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो जो दोनों ट्राइंगल्स ये वाली हैं ये भी क्या हो गई हैं, ये भी अब होंगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कैसे हुई हैं, या तो आप लिखें साइड साइड एंगल, या डायरेक्ट बिकॉज ये ट्राइंगल आपकी राइट एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग ये बनता है इसका पार्सोलेट हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि आपका राइट एंगल के सामने अगर देखें ये पी ओ क्या है, हाइपोटेनियस है, इधर भी राइट एंगल के सामने पी ओ क्या है, हाइपोटेनियस है, दोनों इक्वल हैं कॉमन है। इसके अलावा ये इनकी साइड भी क्या है, इक्वल है, यानी कि हाइपोटेनियस और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली साइड दोनों क्या हो गई हैं, दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो आप यहाँ पे सिंपल हाइपोटेनियस और साइड जो पार्सोलेट है उनके अकॉर्डिंग आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये था आपका दोनों, हमने जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। जब दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बाकी सारी इसकी साइड्स और एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्रूफ ये करना कि आपका ये जो एंगल है, ये एंगल जो कि हमने पहले बात की थी, ये वाला और ये दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हैं, तो हो तो गए हैं, बिकॉज अगर ट्राइंगल्स अगर आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दोनों क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये वाली लाइन है ये इस एंगल का क्या हो गया, बाईसेक्टर हो गई, ये एंगल की बाईसेक्टर होगी, तभी तो ये इक्वल एंगल आएंगे, अदरवाइज तो इक्वल ही ना आ सकते। जब ये इसकी लाइन बाईसेक्ट करेगी इस एंगल को, तभी तो ये पार्ट इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि ये पार्ट इक्वल है, तो कन्वर्स हम बात कर सकते हैं कि ये अब क्या होगा, ये फाइनली उसका बाईसेक्टर ही होगा। जब ये आपका ओ पी आप कह लेंगे बाईसेक्टर है, तो पी पॉइंट तो इसी बाईसेक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पी है इस ऑन द बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये बड़ा आपका प्रूफ हो चुका है कि हमने क्या चेक करना था, प्रूफ करना था कि आपका जो पी पॉइंट है इज ऑन द बाईसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, जो बाईसेक्टर ऑफ द एंगल का जो बाईसेक्टर है उसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 5। इसके बाद बेटा इसका लास्ट थ्योरम रह गया है 6, उसको देखते हैं। तो जी बेटा फाइनली इसका जो लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6 बेटा, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास ये है, उसकी अगर बात करें स्टेटमेंट की, वो हमारे पास है द बाईसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। आपने प्रूफ ये करना है कि आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी आप एक ट्राइंगल ले लें, आपने उसके जो एंगल्स होंगे उनके बाईसेक्टर्स ड्रा करने हैं, और प्रूफ ये करना है कि वो क्या एक ही पॉइंट से पास करते हैं या नहीं करते। ठीक है, प्रूफ आपने करना है कि वो एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपने थ्योरम किया था जिसमें आपने ये प्रूफ किया था कि बाईसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कंकरेंट, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ बेटा आपने जो इसके एंगल्स हैं इनकी बाईसेक्टर, इनको बाईसेक्ट करना है और इनकी आपने कंकरेंसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे गिवन अगर देखें तो हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास सपोज के एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, आपने प्रूफ करना है कि उस ट्राइंगल के जो बाईसेक्टर्स हैं एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के बाईसेक्टर एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के वो क्या होंगे, वो कंकरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास सपोज ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमें गिवन में, ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, सपोज करें हमने जो खुद से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है उसके अंदर, ठीक है, वो क्या है कि आपने ड्रॉ करना है बाईसेक्टर ऑफ एंगल बी और बाईसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये बेटा आप जब दोनों को ड्रॉ करेंगे तो ये बेटा आपके पास पॉइंट आई पे म्यूट करेंगे। ठीक है, अब बेटा आपने पॉइंट आई को क्या करना है, यानी कि जो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपने ड्रॉ द बाईसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, जो कि हमने यहाँ पे तक कर लिया। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल बी और एंगल सी के जो बाईसेक्टर्स हैं कहाँ मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एट पॉइंट आई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ। आई एफ क्या है, आई एफ बेटा ये है जो कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस साइड के ऊपर ए बी के ऊपर। इसे ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, आई डी जो कि क्या होगा बी सी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने लास्ट पे आई ई ड्रॉ करना है जो सी ए जो साइड है उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बेटा आपके कह लें कि आपने खुद से क्या करना है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन करनी। अब आपने इसी को यूज़ करते हुए इसको
प्रूफ करना है। बेटा आपको याद है कि जब जो प्रीवियस अभी हमने थ्योरम प्रीवियस ही किए हैं कि आप अगर अगर आप एंगल्स को बाइसेक करें, एंगल को अगर आप बाइसेक करें ठीक है, और उसके ऊपर आप पॉइंट ले लें, ये पॉइंट सपोज हमने एक एंगल बाइसेक किया है जो कि हमारे पास बी है, सपोज करें बी को हमने बाइसेक किया ठीक है, अभी बाकी बाद में हम बात करते हैं, बी को बाइसेक किया तो इसके इसका ये बनता है बाइसेक्टर। अब ये जो आई पॉइंट है ये हमने इसके ऊपर लिया, इसके यानी कि बाइसेक्टर के ऊपर हमने आई पॉइंट ले लिया। अब ये जो बेटा आपका आई पॉइंट है ये बेटा इस एंगल की जो आर्म्स होती हैं उनसे क्या होता है, उनके इक्वल डिस्टेंस पे होता है ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट आई होगा इस एंगल की आर्म्स यानी कि जो आपके पास बी सी और बी ए है उनसे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि आई डी ये वाला डिस्टेंस और आई एफ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और यही बेटा हमने फर्स्ट पे किया होगा ठीक है। बात आपको पता है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, से ही आपने प्रीवियस थ्योरम उसी को आपने यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा कि आई डी आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ के ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब आप एंगल सी की बात कर लें, एंगल सी को जब आपने बाइसेक किया तो आपने इसका पॉइंट आई, अब ये जो पॉइंट आई है ये अगेन इस एंगल सी की जो आर्म्स हैं ये और ये इनसे भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस भी होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा ठीक है। यानी कि आपकी ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगी, नजर वैसे यहाँ पे तो खैर थोड़ी सी चेंज हो रही है ठीक है, लेकिन आपने क्या करनी, आपने इनको इक्वल ही लिखना है ठीक है। यानी कि आपका जो आई ई है वो आई डी के क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ठीक है। यानी कि आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई के ठीक है। अब देखें आपके पास ये दो बन गई इक्वेशंस है, यानी कि आप इसको फर्स्ट का नाम अगर दें, इसको नाम दे दें सेकंड का, अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके पास यहाँ भी आई डी है और यहाँ भी आई डी, यहाँ पे आई डी कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के और यहाँ पे आई डी कॉन्ग्रुएंट है आई ई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड पे हैं आई एफ और